नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ, दीप त्रिवेदी। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 7, अध्याय 6। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू योगी बनने में जिज्ञासा तो दिखा रहा है, परंतु योगियों के लक्षण तू अपने में विकसित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सत्य तो यह है कि कर्मों के फल का आश्रय लेकर यदि कोई भी मनुष्य किसी भी कर्म से इनकार करता है तो वह योगी कतई नहीं माना जा सकता है। फिर चाहे वो इनकार वह शास्त्रों के कारण कर रहा हो, पाप पुण्य को ध्यान में रखकर कर रहा हो, या फिर वह इनकार वो नरक जाने के डर से ही क्यों न कर रहा हो। और यह बात तुझे विशेष रूप से समझने की ही है, क्योंकि तू योग समझने हेतु जिज्ञासा तो अवश्य कर रहा है, परंतु व्यवहार तू योगियों के विपरीत कर रहा है। तू युद्ध को ना सिर्फ पाप मान रहा है बल्कि उसे नरक की सीढ़ी भी समझ रहा है। लेकिन यदि एक सच्चे योगी की तरह तू ये फलों के तमाम सहारे हटा देगा तो तू युद्ध करने के अलावा अन्य किसी बाबत नहीं सोचेगा। अब वध तो मैंने भी अनेक किए, परंतु वे वध करते वक्त मैंने कभी पाप पुण्य या स्वर्ग नरक की ना तो चिंता की और ना ही कामना, क्योंकि पापियों का नाश होना चाहिए तो होना ही चाहिए। फिर फल की कामना या परिणाम की चिंता के कारण वह कर्म टाला नहीं जा सकता है। पापियों के नाश को पाप पुण्य के तराजू पर नहीं तौला जा सकता है। वैसे ही अर्जुन यह भी समझ ले कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, अर्थात स्वयं की हानि के डर से भी कभी करने योग्य कर्म टाला जा सकता है। ऐसा मत सोच, यह भी स्वार्थ ही हुआ। और तू यह समझ ही ले कि दुनिया के किसी भी स्वार्थ हेतु परमार्थ कभी नहीं टाला जा सकता है। इसलिए अर्जुन निष्काम भाव से यानी बिना कामना के लगातार कर्म करते चले जाना ही योगी का लक्षण है। और ऐसे योगी के लिए जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण का एकमात्र मार्ग है, क्योंकि यहाँ किस पल किस के सर क्या करने को आ जाए कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में मैं यह करूँगा ही अथवा मैं यह नहीं ही करूँगा जैसे संकल्प लेने वाला व्यक्ति कभी भी योग में स्थित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है यह है कि समस्त संकल्पों का त्यागी पुरुष ही योगारूढ़ कहा जाता है। मेरी ही उदाहरण ले, मैं एक प्रेमी हृदय जीने वाला तथा शौकीन व्यक्ति हूँ, लेकिन उस हेतु मैं यह संकल्प नहीं ले सकता कि मैं झमेलों में नहीं पड़ूंगा या संघर्षों में नहीं उतरूंगा। मुझे किस पल क्या करना यह पूरी तरह से मैंने कुदरत के एकाधिकार पर छोड़ रखा है। उसमें मैं अपनी इच्छाओं या अपने संकल्पों को बीच में नहीं लाता हूँ, और इसलिए मैं एक सच्चा योगी हूँ। तू भी यदि योग में स्थित होना चाहता है तो तमाम प्रकार के कामना व संकल्प दोनों हटा दे, और तब तू मुझे युद्ध न करने का एक कारण बता, मैं मान जाऊंगा। अर्जुन मेरे भाई, समय बीता जा रहा है, अतः तू बात को समझ। दुनिया का कोई सच्चा योगी या सन्यासी वर्तमान हालात में युद्ध से इनकार नहीं करेगा। हे अर्जुन, इस संसार की रचना कुछ ऐसे ही है कि यहाँ मनुष्य स्वयं अपना मित्र है तथा स्वयं अपना शत्रु भी है। बाहर यहाँ कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने से मित्रता निभाए तथा अपने द्वारा इस संसार समुद्र से
अपना उद्धार करे, और उस हेतु उसे चाहिए कि वह तमाम कामनाओं व संकल्पों का त्याग करे। यह करूँगा या यह नहीं करूँगा का कोई निश्चय वह कभी न करे। यह चाहिए या यह नहीं चाहिए जैसी बातों में स्वयं को न उलझाए। मनुष्य को चाहिए कि इन तमाम प्रकार के आकर्षणों को तथा विकर्षणों से स्वयं को बचाए। अर्जुन, योगी हो या सन्यासी, दोनों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान में कोई भेद नहीं होता। वे तो जो मिल जाए उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकारते चले जाते हैं। जो करने को सर पर आ जाए उसे परमात्मा का हुक्म मानकर करते चले जाते हैं। अतः तू भी सामने आए इस युद्ध को परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार ले। इसके अलावा कुछ भी सोचना तेरे अहंकार व अज्ञान को ही दर्शाता है। सो योगी और सन्यासी में कौन श्रेष्ठ है यह मत पूछ। इतना समझ ले कि दोनों में से कोई भी इस युद्ध से भागने का बहाना नहीं खोजते। हे अर्जुन, एक योगी के लिए पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं होता है। वह मित्र वैरी मध्यस्थ में ही नहीं, पापी और धर्मात्माओं में भी समान भाव वाला होता है। उसे ना तो किसी प्रकार की आशा होती है और ना ही मन में वह किसी बात को ग्रहण करता है। बाहर उसकी दुनिया कितनी ही बड़ी क्यों न हो, भीतर से वह निरंतर अपनी आत्मा के साथ एकांत में ही रहता है। इस योग में, हे अर्जुन, अनेक लोग अनेक प्रकार से स्थित होने की कोशिश करते हैं। इस हेतु वे प्राणायाम से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के आसन करते हैं। यह सब भी उपयोगी है क्योंकि इससे शरीर की स्वस्थता बनी रहती है और स्वस्थ शरीर के लिए मन की ऊंचाइयां छूना आसान हो जाता है। अतः हे अर्जुन, इस योग में जितना मन के शुद्धिकरण का महत्व है उतना ही शरीर की स्वस्थता का भी महत्व है। इसलिए इस योग में खान पान से लेकर नींद तक का भी बड़ा महत्व है। यह योग ना तो ज़्यादा खाने वालों का और ना यह योग ना तो ज़्यादा खाने वालों का न भूखे रहने वालों का कभी सफल होता है। वैसे ही कम या ज़्यादा सोना भी इस योग में बाधा है, लेकिन अंत में तो सारा महत्व मन की स्वस्थता का ही है। ले देकर महत्व तो मन से कामनाएं व संकल्प हटाने का ही है। सो मनुष्य को चाहिए कि शरीर को संभाले परंतु ध्यान मन की स्वस्थता पर ही बनाए रखे, क्योंकि अंत में तो जीवन का परिणाम मन की स्वस्थता पर निर्भर है, शरीर की स्वस्थता पर नहीं। अर्जुन, तू एक सीधी बात क्यों नहीं समझ रहा है कि मनुष्य का पूरा जीवन उसके भीतर है, बाहर नहीं। जो कुछ भी उसे पाने व खोने योग्य है वह सब भी उसके भीतर है। बाहर तो न राज्य पाने योग्य है और न वैराग्य। बाहर तो जो कुछ भी है एक भ्रम ही है, न स्वर्ग बाहर है और न नरक। तू भी जिस मनोदशा में है वही तेरे लिए नरक है। मैं तुझे इस दुख से उबार कर हाथों हाथ महा आनंद में स्थिर कर देना चाहता हूँ। अतः तू इस युद्ध को बाहर मत देख, तू इस संघर्ष को भीतर खोज और अपने इस भीतरी संघर्ष पर विजय पाले। बस तत्क्षण यह बाहरी युद्ध तेरे लिए एक नाटक हो जाएगा। ऐसा समझ अर्जुन कि जिस मनुष्य के भीतर कोई भेद नहीं है उसके जीवन में बाहर कोई संघर्ष नहीं है। जब तक तेरे भीतर
पाप और पुण्य में, राज्य और वैराग्य में भेद है, तभी तक तेरे जीवन में बाहर संघर्ष है, तभी तक तू एक की तरफ जाना चाहता रहेगा तथा एक से भागना चाहता रहेगा। सो बाहर जो कुछ भी है उसे तू बाहर ही रहने देकर भीतर अपनी आत्मा में तृप्त रह। भीतर सदैव समरस तथा तृप्त रहना ही एक योगी का परम आनंद है, क्योंकि ऐसा योगी चारों ओर सब कुछ संभाव से देखता है। वह बाहर जो कुछ भी है उसे एक आत्मा का ही विस्तार मानता है, और जब सब कुछ एक आत्मा का ही विस्तार है तो उसमें भेद क्या करना, उसमें अच्छा बुरा या पाप पुण्य क्या खोजना, उसमें अपना पराया व हार जीत कहाँ खोजना। अतः हे अर्जुन, जो कोई ज्ञानी पुरुष अपने चारों ओर के संपूर्ण विस्तार को मुझ वासुदेव रूपी आत्मा के अधीन देखता है, वह हमेशा के लिए मुझसे एक हो जाता है। अतः तू भी संपूर्ण संभाव में स्थित हो जा। अपने को, कौरवों को, जीने व मरने को, सबको कृष्ण ही समझ ले। फिर न जीतने पर तू मुझसे जुदा होगा, न हारने पर, न जीवित रहने पर जुदा होगा, न मौत आने पर, क्योंकि फिर तेरे लिए हार जीत व जीवन मृत्यु सब कुछ ही है, सब कुछ कृष्ण ही है। अर्जुन, तू तो बुद्धिमान है, सो सोच कि जिसके लिए बाहर सब कुछ एक आत्मा का ही विस्तार है, उसके लिए फिर इस जगत में पाप पे पुण्य व हार जीत बचे ही कहाँ। ऐसे योगी चाहे जो कुछ भी क्यों न कर रहा हो, वह सदैव परमात्मा से, परमात्मा में ही खेलता रहता है। और ऐसा परमात्मा से परमात्मा में खेलने वाला कुछ भी क्यों न कर रहा हो, भला पाप को उपलब्ध कैसे हो सकता है। अतः इतना समझ कि जब तक तू अपने को अलग से महत्व दे रहा है, तब तक तू बाहर सब में भेद कर रहा है। जिस रोज तू अपने समेत सबको एक ईश्वर की संतान मान लेगा, हार जीत व जीना मरना तुझे प्रभावित नहीं करेगा। फिर तू न कभी युद्ध करने से इनकार करेगा, न युद्ध करने की जिद करेगा। जो मनुष्य अपने दुख व दूसरों के सुख तथा अपने सुख व दूसरों के सुख में भेद करता है, वह योगी श्रेष्ठ कहा जाता है। जो मनुष्य अपने दुख व दूसरों के दुख तथा अपने सुख व दूसरों के सुख में भेद नहीं करता है, वह योगी श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ की चिंता में कभी किसी चीज से इनकार नहीं करता है। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने जो संभाव में स्थित होने की बात कही, मैं उसे पूरी तरह से समझ गया, परंतु यह बात सुनने में जितना आसान लग रही है, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। मन की अति चंचलता के कारण मैं चाहकर भी अपने व दूसरों को समभाव से देखने में अक्षम हूँ। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल व दृढ़ है, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान है। मैं न चाहते हुए भी बार बार स्वार्थ में उलझ जाता हूँ, न चाहते हुए भी बार बार मुझे अपनी ही फिक्र पकड़ लेती है। आप तो हार व जीत तथा जीवन व मृत्यु में सम देखने की बात कहते हैं, मैं तो इस युद्ध में मौजूद योद्धाओं को भी समभाव से देखने में असमर्थ हूँ। मेरा मन यह बात मानने को ही तैयार नहीं है कि मेरी मौत व कौरवों की मौत में कोई भेद नहीं है, मेरी हार व कौरवों की हार में कोई भेद नहीं है। वाकई बात समझने के बाद भी मन की चंचलता के कारण उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण समझाते हैं,
बात तो तेरी सही है अर्जुन, यह मन निश्चित ही बड़ा बलवान है, इसे वश में करना वाकई आसान नहीं है, लेकिन यह वैराग्य के लगातार अभ्यास से वश में किया जा सकता है। और यहाँ स्पष्ट समझ ले कि वैराग्य शरीर का नहीं मन का है, सवाल हार जीत का नहीं या जीवन मरण का नहीं, उसे शारीरिक कर्म मात्र समझकर बाहर का बाहर रहने देना चाहिए। मन में तो उन सभी कर्मों के प्रति वैराग्य ही होना चाहिए, छप्पन भोग हो या सूखी रोटी, दोनों शरीर से ग्रहण करना है, मन से दोनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो लगातार मन से सब चीज़ों व कार्यों के प्रति ऐसा वैराग्य पालता है, वह एक दिन इस महान योग को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इस महान योग की प्राप्ति हेतु यह मेरा स्पष्ट मत है, अतः जो कोई भी इस योग की प्राप्ति हेतु मन के वैराग्य को छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान देता है, वह इस महान योग को उपलब्ध होने से वंचित रह जाता है। अब अर्जुन बोलते हैं, मैं आपकी यह बात भी समझ गया, आप ठीक ही कहते हैं, परंतु हे कृष्ण, जो पुरुष मन से वैराग्य को प्राप्त होने तथा संभाव में स्थित होने की कोशिश करते हैं, परंतु मन वश में न होने के कारण अंततः ऐसा कर नहीं पाते हैं, उनका क्या होता है? क्या वे श्रद्धावान व प्रयत्नशील पुरुष भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं? मैं इसे अपने ही उदाहरण से कहूँ तो मुझे आपका कहा एक एक शब्द समझ में आ गया है। मैं समझ चुका हूँ कि यदि मैं पूरी तरह से संभाव में स्थित होकर युद्ध करता हूँ तो मैं युद्ध करते करते भी योग को उपलब्ध हो जाऊँगा, परंतु मैं तमाम कोशिश के बावजूद संभाव में स्थित नहीं हो पाता हूँ, और फिर भी युद्ध करता हूँ तो मेरा क्या होगा? निश्चित ही मैं योग में तो स्थित नहीं ही हूँ, नहीं ही हो पाऊँगा, पर मैं कहीं नष्ट और भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊँगा। हे कृष्ण, मेरी इस चिंता का संपूर्ण समाधान आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। अब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे खुशी है कि तू मेरी बात को समझा। अब तू इतना और समझ ले कि परमात्मा की प्राप्ति की ओर मनुष्य को सिर्फ पहला कदम ही बढ़ाना होता है, बाकी की यात्रा तो समय के साथ सहज ही पूरी हो जाती है। सो संभाव में स्थित होने के प्रयत्न को तू परमात्मा की ओर बढ़ाए गए पहले कदम के तौर पर ले, फिर तेरा न तो इस लोक में नाश होगा और न परलोक में, फिर तू आज के बाद दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होगा। संभाव में स्थित होने की कोशिश करते हुए यदि तू युद्ध में मारा भी गया तो भी चिंता मत कर, क्योंकि फिर तू किसी ज्ञानी के यहाँ जन्म ले लेगा और वहाँ से फिर दुगने जोश से संभाव की ओर कदम बढ़ाएगा, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि तू पूरी तरह से योग को यानी संपूर्ण संभाव को प्राप्त नहीं हो जाता है। अर्जुन, एक बात स्पष्ट समझ ले कि संभाव में स्थित होने का प्रयत्न करने वाला पुरुष तो तपस्वियों शास्त्र ज्ञानियों तथा कर्मकांड करने वालों से भी कई गुना श्रेष्ठ माना जाता है, और तू संभाव में स्थित होने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है, अतः बिना किसी संशय के दिल खोलकर युद्ध कर, अब तुझे अन्य चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 11। इस छठे अध्याय की छिपी शिक्षा यह है कि स्वार्थ एकमात्र पाप है, सारे स्वार्थ हटा दो, फिर भी कुछ करो, फिर कुछ भी करो, सब परमात्मा ही कर रहा होगा। जीवन की सारी परेशानियों की जड़ स्वार्थ है। आप अपने जीवन की एक भी ऐसी परेशानी बता दो जिसकी जड़ में स्वार्थ न हो, सो स्वार्थ हटा दो, परेशानी स्वतः गायब हो जाएगी।
परेशानियों से निजात पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यह सत्य भी जान लो कि महानता को वे ही उपलब्ध हुए हैं जिन्होंने अपनी जाति स्वार्थ मिटाए हैं। गीता सफलता दिलाती है तथा महान बनाती है। सो अगले पेज पर दिए गए चार्ट के सहारे अपने स्वार्थ कमजोर करने का प्रयास करो। अपने आप जीवन से कष्ट भी कम होते चले जाएंगे तथा जीवन भी संवरता चला जाएगा। उनकी सूची जिनसे आप व्यवहार कर रहे हैं, जैसे सबके आगे दिल से लिखो कि आज के बाद मैं इससे अपने स्वार्थ हटाता हूँ। जैसे पारिवारिक रिश्ते से स्वार्थ हटाता हूँ, मित्र से स्वार्थ हटाता हूँ, व्यवसायिक रिश्तों से स्वार्थ हटाता हूँ, फल व परिणाम से स्वार्थ हटाता हूँ, धर्म से स्वार्थ हटाता हूँ, विचार से स्वार्थ हटाता हूँ, ऐसा आप लिखिए। भविष्य से स्वार्थ हटाता हूँ, कर्म से स्वार्थ हटाता हूँ। नोट, समझो इतना कि पूरी दुनिया स्वार्थ के रास्ते जीवन बनाने में निकली है। समझो इतना कि पूरी दुनिया स्वार्थ के रास्ते जीवन बनाने निकली है। हर कोई यही कहता है कि मेरा क्या, मुझे क्या फ़ायदा, पर फिर जीवन बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जीवन आपकी बुद्धि की सामान्य सोच से नहीं बल्कि प्रकृति के परम नियमों से बनेगा। तथा कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वह वे प्रकृति के अटल नियमों को ध्यान में रखकर ही कह रहे हैं। सो सारे रिश्तों तथा सारे कार्यों से स्वार्थ हटाए वगैरह न अस्थाई सफलता मिलने वाली है और न ही अस्थाई शांति। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।